ओके गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे N2311 का नेक्स्ट टॉपिक, मैंगो लीफ होपर या जिसे आम का फड़का कहते हैं। लीफ होपर मींस ये जो है पेस्ट, ये किसको डैमेज करेगा? लीफ को। नाम से ही पता लगता है ना हमें कि ये जो है ये क्या है, मैंगो लीफ होपर। तो इसके जो अदर नेम है, इसको क्या बोलते हैं, फुदका भी कहा जाता है, आम का चैंपा भी कहा जाता है। जनरल सी लैंग्वेज है, अलग अलग एरिया वाइज इसको नाम देते रहते हैं। तो जब इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो ऑर्डर इसका है हेमिप्टेरा, और जो फैमिली है वो कैकेडेलिडी, और होस्ट प्लांट की अगर हम बात करें तो होस्ट प्लांट इसके कौन कौन से हैं, जो मेन इसका है होस्ट प्लांट या जिसको कहें कि इसका पोषक पौधा, वो है आम। ये इंसेक्ट सिर्फ आम पर ही अटैक करता है। और इसके इसकी क्या है, इस कीट की दो जातियां और भी है, मीन्स थ्री जातियां का हमें यहाँ डिस्क्रिप्शन बताया गया है, जो कि जीनियस स्पीशीज की कह सकते हैं या इसका साइंटिफिक नेम एम्ब्रिटोडस एटकिंसोनी, और जो दो अदर स्पीशीज बताई गई हैं वो भी है इडियोसेरस क्लाइपेलिस और इडियोसेरस नेवोस्पारस। तो ये जो दो स्पीशीज बताई गई हैं, ये बताया कि और भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है या इसका जो वितरण है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में ये बहुलता में या अधिकता में मिलता है, या इसका वितरण है जो इन स्टेट में अधिकता में पाया जाता है। और अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो इंडिया के अलावा ये श्रीलंका, बर्मा, मलाया, फार्मोसा, ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। डैमेज को देखते हैं कि डैमेज जो है इसका किस प्रकार होता है, या जो प्लांट्स के कौन से पार्ट इसका डैमेज होते हैं। तो इससे क्या है, आम की जो फसल है या जो आम की वृक्ष है, पेड़ है, उन पर ये काफ़ी हानि बन जाता है। और इसका जो प्रकोप है वो आम पे जो फ्लॉरिंग शुरू होती है तब से ही शुरू हो जाता है, और लगभग फरवरी के मिड तक ये उस पर प्रकोप करता रहता है। और इस जो इंसेक्ट के एडल्ट और शिशु मीन्स दोनों ही, ब्रोड भी और इसका निम्फ भी, दोनों ही फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इनके जो माउथ पार्ट्स है वो चुभने वाले और चूसने वाले होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, फलों और जो पत्तियां हैं उनका रस चूसते हैं। और जो निम्फ है, निम्फ एडल्ट की कंपैरेटिवली अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान तो दोनों ही पहुंचाते हैं, एडल्ट भी, इनका प्रौढ भी और इनका शिशु भी, बट जो निम्फ है या शिशु है वो अधिक हानि पहुंचाते हैं। और इनको भोजन की आवश्यकता पड़ती है, और इनके क्या होते हैं, पंख नहीं होते, इस कारण ये एक ही स्थान पर रस चूसते रहते हैं। और ये इनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के साथ एक मधुस्राव भी निकलता है, जिससे फूलों और पत्तियों में फंगस लग जाती है। पहले भी हम इनसे पढ़ते हैं ना, मधुस्राव पे किसका अट्रैक्शन होता है, फंगस का या कवक का, तो उस पर कवक लग जाता है या कवक का अटैक भी हो जाता है। तो फंगस लगाने के कारण क्या होता है कि जो पॉलिनेशन की क्रिया होती है, जो परागण होता है, उसमें भी बाधा उत्पन्न हो जाती है, और उसमें फल भी नहीं लग जाते। और अगर फल होते हैं तो ये जो इंसेक्ट है वो फलों का भी रस चूस लेते हैं और पत्तियों का भी रस चूस लेते हैं। और पत्तियों का रस चूसने से क्या हो जाएगा, पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और इनके जो फल है वो झड़ने लगते हैं। और जो जो फल लगते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, और थोड़ी सी हवा या झटका लगने से ये नीचे गिर जाते हैं।
और इस जो इंसेक्ट का आक्रमण है वो दो एक साल में दो टाइम है जब इनका अटैक रहता है, पहला फरवरी से अप्रैल तक और दूसरा टाइमिंग है इसका जून से सितंबर तक। मीन्स दो बार जो ईयर एक साल में दो ऐसे टाइम होते हैं जब इनका अटैक इस फसल पर रहता है। कब कब है? फरवरी से अप्रैल तक और दूसरा जून से सितंबर तक। तो पूरे साल में ये फरवरी से नवंबर तक एक्टिव ही रहते हैं। वैसे तो क्या है, इनका जो अटैक है या इनका प्रकोप थोड़ा बहुत पूरे साल में ही रहता है, परंतु थर्ड या फोर्थ वर्ष जब तीसरे और चौथे साल में इनका अटैक है वो बहुत अधिक हो जाता है। इस कारण इनको क्या कहते हैं, पीरियोडिक इंसेक्ट पेस्ट भी कहा जाता है कि सामयिक हानिकारक कीट, कि समय के साथ इनका जो प्रकोप है वो बढ़ जाता है। क्योंकि जैसे ये स्टार्टिंग होती है ना फसल की, तो जब 4 साल के बाद ये पेड़ पे फल लगते हैं तब इनका अटैक बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका जो क्या है लाइफ हिस्ट्री या इसका जो जीवन है वो कैसा है, या इसकी लाइफ में कितने स्टेजेस हैं, कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो इसमें क्या है, इन तीन स्टेजेस पाई जाती हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास, एग, सेकेंड नेम फॉर थर्ड एडल्ट। फर्स्ट स्टेज एग, सेकेंड है हमारे पास निम्फ और थर्ड है हमारे पास ये इसका अडल्ट। एग की जब बात करते हैं तो ये क्या होता है, फरवरी महीने में ही ये जो इंसेक्ट है वो दिखाई देते हैं, और जो फीमेल इंसेक्ट है वो कॉपुलेशन के 3 दिन बाद जो कोमल टहनियाँ होती हैं या जो पत्तियाँ होती हैं उसकी निचली सतह या जिसकी एपिडर्मिस कहा जाता है, एपिडर्मिस में एंगलिंग करती हैं, कैसे उसको अंदर थोड़ा सा धंसाकर। तो एगलिंग करने के बाद पत्तियों की निचली सतह पर क्यारियां सी बन जाती हैं और इन्हीं रेखाओं पर एग दिए जाते हैं, और एक फीमेल अपनी लाइफ में 200 एग्स कई दिनों में देती है। ये जो एग है वो बेलनाकार होते हैं, ब्राउन कलर के, 0.9 mm लंबे, और इनका जो एग हैचिंग का टाइम है या जो एग के पकने का टाइम है वो 7 से 10 दिनों का रहता है, और एग हैचिंग के बाद इसमें से निम्फ निकलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्फ है जो निम्फ किस प्रकार के होते हैं। इनका जो निम्फ है वो ब्राउन कलर का होता है और लगभग 1 mm लंबा होता है, और ये देखने में पीछे हमने डायग्राम में देखा है कि ये लगभग अपने एडल्ट जैसा ही दिखाई देता है, परंतु तो साइज में ये छोटा रहता है और इसकी जेनिटेलिया और पंख नहीं होते और यह फुदक फुदक कर चलता है। इस कारण इसे फुद का नाम दिया गया है, फुदक कर चलने के कारण इसको आम का फुदका कहते हैं। और अगर ये छेड़ देते हैं इसे तो ये पत्तियों पर तिरछा चलने लगता है, और इसके जो माउथ पार्ट है वो भी कैसे होते हैं, चूसने वाले, क्योंकि ये पत्तियों का रस चूसता है और तो इस कारण ये चूसने वाले होते हैं और एक ही स्थान पर रहते हैं क्योंकि इनके पंख नहीं होते, और 5 बार निर्मोचन क्रिया करते हैं, और इनका जो जीवन काल है वो 3 से 4 सप्ताह तक का रहता है। 5 बार निर्मोचन क्रिया होती है ना, तो कब कितने टाइम में होती है, 3 से 4 सप्ताह में, और अंतिम बार निर्मोचन जब हो जाता है तो फिर ये किस में बदल जाता है, ये एडल्ट में या प्रोड कीटों में बदल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके जो प्रोड है वो किस प्रकार के होते हैं। इसका जो प्रोड है वो उसका शरीर कैसा होता है, तिकोना, आगे से चौड़ा और पिछले सिरे पर पतला होता है। अभी लास्ट डायग्राम ने पिछले पेज पे देखा है कि वो किस प्रकार का दिखाई देता है, और शरीर पर 2 जोड़ी पारदर्शक पंख होते हैं, 3 जोड़ी टांगे होते हैं। तो ऑर्थ्रोपोडा का करेक्टर ये है ना हमारे पास की 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं, और ये नवंबर के महीने से फरवरी तक पत्तियों की निचली सतह पर मुलायम धागों के जाल से शरीर को ढके हुए शीत निष्क्रियता में रहता है, कि जब सर्दियों का मौसम है, विंटर सीजन है, तो ये अपने आप को धागों से जाल बनाकर ढककर शीत निष्क्रियता दर्शाता है। और इनमें जो विशेष करेक्टर है वो ये होता है कि ये एक तो ग्रुप में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, और प्रकाश प्रेमी होते हैं।
और जब भी वर्षा शुरू होती है या रेनी सीजन शुरू होता है तो ये रात के समय जहाँ लाइट होती है वहां पर बहुत अधिक मात्रा में देखे जा सकते हैं, काफी देखे जा सकते हैं। एग, एग से क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट स्टेज है ये एग, 7 to 10 days में निम्फ जो हमारे ये सेकंड स्टेज है, और फिर हमारे पास थर्ड स्टेज 21 to 28 days में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। लाइफ साइकिल है 31 to 41 days में पूरा होता है, और एक साल में दो जनरेशन पाई जाती है। तो उत्तर भारत में पाई जाती है और दक्षिण भारत में इनकी जो है 5 से 6 पीढ़ियां मिलती है। कारण क्या होता है, ये भी टेम्परेचर वेरिएशन के कारण ही होता है। टेम्परेचर वेरिएशन के कारण इनकी जो जनरेशन है उसका नंबर भी वेरी कर जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि यदि हमारे पास अटैक से बचने के लिए किस प्रकार के हम प्रिकॉशन रख सकते हैं या किस प्रकार अटैक होने पर हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। देखते हैं कि इसका क्या है। पहले तो जो पुराने पेड़ हैं उनकी शाखाओं को काटकर दूर दूर कर देना चाहिए, ताकि नए और नए जो वृक्ष लगाने चाहिए वो भी हमें दूर दूर लगाने चाहिए, ताकि अगर पुराने पे अटैक हुआ हो तो वो हम नए वाले पे भी अटैक नहीं हो सके। और जैसे ही ये जो इंसेक्ट है ये पेड़ों पर दिखाई दे तो हमें रुबोर, न्यूवान, मालाथियान, क्विनलफा, सेंथियो या कार्बारिल इनके ये दी गई निश्चित मात्रा को पानी में मिलाकर एक पेड़ के हिसाब से इसका छिड़काव करना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, ये इंसेक्ट है जो मर जाएंगे तो उसका जो प्रकोप है उस फसल पर नहीं होगा। या हम इसका क्या असर कर सकते हैं कि इसके जो प्राकृतिक शत्रु होते हैं जो इनके एडल्ट परजीवी होते हैं उनको भी हम प्रयोग में ले सकते हैं, उनका यूज करके हम इनके नंबर्स को कंट्रोल कर सकते हैं।